नमस्कार, मैं संतोष भगत, आप देख रहे हैं स्वतंत्र सागर न्यूज़। आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राजस्थान वजीरपुर से कुछ खास खबरें। स्वतंत्र सागर न्यूज़ के लिए महेंद्र शर्मा की ये रिपोर्ट। वजीरपुर में निकला फ्लैग मार्च। सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन अनुशासन पखवाड़े के तहत उपजिला अधिकारी नरेंद्र कुमार मीना व तहसीलदार हरकेश मीना के नेतृत्व में रविवार को पिलोदा रोड स्थित उपजिला कार्यालय से पुलिस दल बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस थाना अधिकारी योगेंद्र शर्मा ने बताया कि पुलिस अधिकारी ADJ के आदेश पर दो थानों के कर्मचारियों द्वारा मिलकर फ्लैग मार्च कोरोना महामारी में सरकारी गाइडलाइंस की पालना करने को लेकर पुलिस दल के साथ उत्साह के साथ निकाला गया। फ्लैग मार्च निकाला गया है, पुलिस प्रशासन की पूरी टीम के द्वारा निकाला गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है वर्तमान में जो कोरोना महामारी चल रही है, इस महामारी के तहत सरकार द्वारा लॉकडाउन किया जा रहा है और लॉकडाउन की पालना के लिए और लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है। फ्लैग मार्च से लोगों को क्या लाभ मिलेगा? इससे लोगों को कोरोना के प्रति जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है कि जब भी घर के अंदर रहें और यदि कोई आवश्यकता हो बाहर निकलें तो मास्क लगा के निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, ये महत्वपूर्ण। वजीरपुर में पुलिस रेड अलर्ट की गाइडलाइन को लेकर निकाला फ्लैग मार्च। वजीरपुर सरकार द्वारा चलाए जा रहे अनुशासन पखवाड़े के तहत उपजिला अधिकारी नरेंद्र कुमार मीना व तहसीलदार हरकेश मीना के नेतृत्व में सोमवार को फिर से पुलिस दल बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च के दौरान उपजिला अधिकारी नरेंद्र कुमार वर्मा मीना के आदेश पर हिंदौन गंगापुर सिटी मार्ग पर वाहन चालकों से पूछताछ कर बहाने बनाने वाले लोगों को चालान काटा गया। कोरोना की गाइडलाइन की पालना को लेकर आइए देखते हैं उपजिला अधिकारी नरेंद्र कुमार ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला गया, लोगों से समझाइश की गई। श्रीमान SDM साहब, तहसीलदार साहब साथ में मौजूद रहे, उनके द्वारा भी समझाइश की गई तथा वाहनों को रोककर फालतू क्यों घूम रहे हैं उनको समझाया गया कि अब लॉकडाउन चल रहा है, घर से बाहर नहीं निकले। दोपहर के बाद में कुछ दुकानदार अभी भी कपड़े के, रेडीमेड के और चुपके चुपके से सामान देते हुए नजर आते हैं, इसके बारे में भी कुछ बोलेंगे? नहीं, ऐसे कोई जानकारी नहीं आया हमारे। दोपहर बाद ऐसे दिखाई देते हैं कुछ लोगों की वीडियोस भी हमारे पास आई हैं। तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और उनको दुकानों को सील किया जाएगा। जो सरकार ने लगाया है इस पखवाड़े में, सरकार ने जो निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकले और यदि कोई स्पेशल या इमरजेंसी सेवा के लिए वो निकलता है तो वो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहा है या नहीं कर रहा, मास्क लगा रहा है या नहीं लगा रहा, इन चीज़ों की पालना के लिए अब तो रोज़ ही हमको फील्ड में रहना है और कोशिश करेंगे सब लोगों को सरकार के जो निर्देश हैं उनकी पालना करवाएं और कोरोना से बचाएं। आज हमने यहाँ 8-10 लोगों के चालान किए, जो ऐसे लोग थे अनावश्यक रूप से यहाँ घूम रहे थे जिनका कोई स्पेशल इमरजेंसी पर्पज भी नहीं था लेकिन फिर भी यहाँ बाजार में घूम रहे थे, तो हम लोग उनके चालान पर। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानों पर प्रशासन ने की कार्रवाई। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान तहसीलदार हरकेश मीना ने उपजिला कलेक्टर नरेंद्र मीना के आदेश पर 3 दुकान पर बुधवार को कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए दुकानों को सीज कर दिया। तहसीलदार हरकेश मीना ने बताया कि सूचना मिलने पर दुकान खुली थी और उनको अग्रिम आदेश तक सीज कर दिया गया है। अगर ऐसे कहीं भी इस पखवाड़े में कोई भी दुकान 11 बजे के बाद खुली पाई गई तो उनकी दुकान सीज कर दी जाएगी। हाँ जी, आज की कार्रवाई के बारे में बताएं। आज दिनांक को श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय वजीरपुर के निर्देशानुसार पटवारी हल्का वजीरपुर श्री शरीफ खान एवं पुलिस थाना वजीरपुर के सिपाही जो सादा वर्दी में, सादा ड्रेस में बाजार में दुकानों की खुलने की जानकारी हेतु भेजे गए तो करीब एक बजे के आसपास पटवारी हल्का व सिपाही बाजार में गश्त की। उस दौरान तीन दुकानें बाजार में खुली हुई पाई गई, जिसमें एक परचूनी की, एक मनियारी की, एक इलेक्ट्रिक सामान की दुकान खुली पाई गई, जिनको श्रीमान उपखंड अधिकारी द्वारा तुरंत प्रभाव से अग्रिम आदेश तक के लिए सीज कर दिया गया। कितने दिनों के लिए सीज किया गया? अग्रिम आदेश तक के लिए।
उन पर क्या कार्रवाई होगी इस चीज़ के बाद में, वो श्रीमान उपखंड अधिकारी जैसा निर्णय लेंगे उस हिसाब से। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम सौंपा ज्ञापन। भाजपा मंडल वजीरपुर के अध्यक्ष मुकेश सोनी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए अपराध के खिलाफ उपजिला कार्यालय वजीरपुर में बुधवार को महामहिम राष्ट्रपति के नाम उपजिला अधिकारी के कर्मचारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर उदय सिंह गुज्जर, रमेश चंद्र शर्मा उज्जैर सहित अनेक लोग शामिल हुए थे। चीज का ज्ञापन दिया है, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हुए, चुनाव परिणाम आने के बाद टीएमसी के गुंडों ने जिस प्रकार से बर्बरता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति की है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घरों को जला दिया गया, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय को, जिला कार्यालय को आग के हवाले कर दिया गया, और जिस प्रकार से भाजपा के कार्यकर्ताओं को दमनकारी नीति अपनाते हुए उनकी बहन बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ में जो अत्याचार किया, भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार इस घटना की निंदा करता है, और इस संदर्भ में हमने उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया है। किसने किया ये? टीएमसी के गुंडों ने, भारतीय जनता तृणमूल कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जो ममता के गुंडे हैं उन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया। प्रशासन ने फिर एक बार कार्रवाई करते हुए 5 दुकानों पर की कार्रवाई। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान तहसीलदार हरकेश मीना ने उपजिला कलेक्टर नरेंद्र मीना के आदेश पर और 5 दुकानों को गुरुवार को सीज कर उन पर कार्रवाई की। तहसीलदार हरकेश मीना ने बताया कि सूचना मिलने पर बाजार में इलेक्ट्रॉनिक गारमेंट, चूड़ी एवं जूते के चप्पल के दुकान खुले मिले, इसलिए उन पर ये कार्रवाई की गई है। इसकी कार्रवाई के बारे में बताएं। आज दिनांक 6/5/2021 को श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय वजीरपुर के निर्देशानुसार वजीरपुर कस्बे में बिना अनुमति के दुकान खोलने की जानकारी मिलने पर 2 टीम बनाकर बाजार में जाकर मालूम किया गया तो कुल 5 दुकान बिना अनुमति के खुली हुई पाई गई, जिनको श्रीमान उपखंड अधिकारी द्वारा अग्रिम आदेशों तक के लिए सीज कर दिया गया है।